हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। ओलंपिक्स मैन लीग का मैच हो रहा है जापान वर्सेस माली के बीच 12:30 बजे। इन दोनों टीम्स के बीच इस साल एक और मैच हुआ था जिसमें माली टीम ने 3-1 से बीट कर दी थी जापान। उल्टा हो गया था, 3-1 स्कोर जापान को करना चाहिए लेकिन 3-1 कर दिया माली ने। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर मैच रहने वाला है जापान के लिए, क्योंकि जिस टीम से आप फर्स्ट टाइम हारे हो और उस टीम का आपका पहला मैच ही हो तो उससे बहुत दिक्कत होती है। ये तो दूसरा मैच है, दूसरे मैच में ये क्या नया सोच के आएंगे जापान वाले, आई डोंट नो। लेकिन जापान की एक खासियत ये है कि अपना प्रीवियस मैच 5-0 से जीत के आए हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा जापान को। जबकि माली टीम का पहला मैच इसराइल से था जो कि 1-1 से ड्रॉ हुआ था, तो माली के लिए भी एक लिटल बिट प्रेशर रहेगा, 25% प्रेशर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करिए क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको सीधा आगे लेके चलता हूँ ज़्यादा ना बोलता हुआ। तो मेरे भाई, यहाँ पर ना स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आपने सबसे पहले देखिए जिस प्लेयर को पिक करना है वो है हसोया। एम हसोया अभी तक फ्रेंडली लीग्स में जितने भी मैच अभी खेला था भाई, उसमें इस बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन था। भले इसने पेनल्टी से गोल किया हो, भले इसने खुद से गोल किया हो, लेकिन गोल तो गोल है, मैं तो ये मानता हूँ। भले ये बंदा अपनी टीम के लिए एक असिस्ट भी करेगा ना, तो वो भी बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं तो स्पेशली इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद मैं सेटो की बात करूँ तो सेटो ने भले ही प्रीवियस मैच में इन प्लेइंग 11 दो असिस्ट की हो, लेकिन मेरा जो प्लेयर था दैट वॉज फूजियो। फूजियो ने प्रीवियस मैच खेला नहीं, अगर खेलता तो आपको पता ही था मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ था। अगर आपको नहीं भरोसा तो आप मेरी 24 जुलाई की वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्लियर बोला था कि ये बंदा मेरा वाइस कैप्टन रहेगा। और मैं आज भी बोलता हूँ अगर सेटो, मैं तो चाहता हूँ फूजियो खेले, अगर आज फूजियो नहीं खेलता तब मैं मजबूरी में सेटो को लूँगा। आइंदा मेरा अंदर से मन तो फूजियो के साथ ही, तो मैं अभी फूजियो का सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड डोम्बिया की बात करें तो डोम्बिया का क्या गोल था भाई, मतलब अगर ये गोल नहीं करता तो भाई उस दिन गई, पहला मैच हार जाती मालिया यार, माली टीम, तो मज़ा आ गया यार मेरे को, मतलब इसका गोल देख के। एंड मिड फील्डिंग की बात करें तो जे चीमा फुजीता को गलती से भी मत छोड़ देना, गलती भी अगर मन में आ भी रहा हो ना तो मत छोड़ सोच, मतलब इसके बारे में सोचो। इतनी कम सिलेक्शन पे आपको ऐसा प्लेयर मिल रहा है ना जो भाई साहब पूरी सामने वाली टीम को हिलाने का दम रखता है, ये बंदा असिस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार मैंने इसके रेयर गोल खुद देखे हैं और वो भी इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक की बात आपसे कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ अंडर 23 की, और आपको पता है कि ये क्या प्लेयर है। और जो प्रीवियस मैच में यामामोटो ने जो किया था वो तो भाई साहब अलग ही था, मतलब यामामोटो पे एक्सपेक्टेशन मेरी ज़ीरो थी और वहाँ ये बंदा गोल कर गया। जबकि अराकी जैसा प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो उस बंदे ने सिर्फ एक असिस्ट की, वो भी फ्यू मिनट्स में, और उसी पर गोल आया था पता नहीं इनमें से किसी का। तो मैं ये भी यामामोटो को यहाँ पर लूँगा। एंड मीटो की बात करें तो देखिए, मीटो को अगर लेना है तो आप ले सकते हो, बट मीटो को तब ना जब आपने ऊपर से कोई प्लेयर ड्रॉप आउट करना हो, क्योंकि अब आप कहो कि सारे लेने हैं, आप मुझे चीमा भी चाहिए और हमें यामामोटो भी चाहिए, भाई इतने प्लेयर नहीं मिलेंगे। मतलब यामामोटो ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो यामामोटो और मीटो को तो भाई हर बंदा मीटो को लेगा, क्योंकि मीटो के डोमेस्टिक मैच हमने देखे हैं, यामामोटो इतना चला हुआ प्लेयर नहीं है। तो अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो मीटो ले लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जीएल में लेना है, ये तो स्मॉल लीग प्लेयर है पहले ही बता दूँ। उसके बाद बात करें उसकी तो यहाँ पर ए सलम, उसके बाद बी ट्रॉट तो छूटना नहीं चाहिए, वही तो एक ऐसा एकमात्र प्लेयर है जो इनका इंग्लिश प्रीमियर लीग का प्लेयर है। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें एस किमुरा, ए ओहाता को यहाँ पर लूँगा। फोर्थ डिफेंडिंग में अगर निशियो खेलेगा तो मैं के तकाई को लूँगा, अगर के तकाई थर्ड डिफेंडिंग करेगा तो मैं एच सिकाइन को लूँगा। मतलब मैं हाईली सिलेक्टेड प्लेयर फ्रॉम थर्ड डिफेंडिंग हमेशा छोड़ता हूँ और उसी वही मेरी जीत का कारण होता है। और गोलकीपिंग सेक्शन की बात करें एल डियारा, बहुत वैसे बेस्ट प्लेयर है डियारा, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कभी इसको देखना इसकी डोमेस्टिक लीग में। और बात करें कैप्टन की, कैप्टन है हसोया और वाइस कैप्टन है फूजियो। तो ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।